हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द एपीआई सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग सो बिफोर स्टार्टिंग द सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एपीआई सो एपीआई की फुल फॉर्म हो गई आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सो जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है सो सिंपल वे में बोलू कि अगर आपको किसी सर्वर की एक सर्विस यूज में लेनी है जैसे कि आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है और आप पेमेंट गेट पर पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं हेल्प ऑफ पेटीएम सो आप पेटीएम की एक स्पेसिफिक सर्विस यूज में लेना चाहते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर सो यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी कोई सर्विस यूज लेने के लिए एक मीडियम यूज़ में लिया वो मीडियम है आपका ए पी आई इज योर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सो उस सर्विस को यूज़ लेने के लिए आपने अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर ए पी आई इंटीग्रेट किया और उस ए पी आई की हेल्प से आप डायरेक्ट पेमेंट गेट पे यूज ले रहे हैं आप डायरेक्टली पेटीएम का बट यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि उसके अंदर आ, क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल है सिर्फ थर्ड पार्टी का आप अपने सिस्टम के अंदर भी आ, आप अपने सर्वर के अंदर भी कुछ अगर स्पेसिफिक सर्विसेज यू उसमें लेना चाहते हैं सो उसका इफेक्टिव एग्जाम्पल्स एपीआई है जैसे अगर मुझे यूजर्स की डिटेल्स चाहिए बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको एपीआई के बट डिफरेंशियट uh, होता है उनके मल्टीपल टाइप्स की हेल्प से और मैं अगर टाइप्स देखूँ सो फर्स्ट है मेरे पास रेस्ट एपी सो रेस्ट ए है मेरा रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर नाउ रेस्ट ए की फुल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक रूल सेट नहीं है यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर यूज में लिया जा रहा है क्लाइंट सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए सो सिंपली ये वेब सर्विसेज के जैसे ही यूज में आता है आपके एंड अगेन रेस्ट एपीआई आर बेस्ड ऑन यू आर आई दैट्स मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ऑफ विच यू आर एल इज ए स्पेसिफिक टाइप और इसको सिंपल वर्ड्स में देखते हैं तो यह आपके एस जी टीपीपी के होंगे Now, जो इसका होगा, वो हमेशा जेसन के अंदर ही होगा विच इज यिटी क्योंकि जेसन आपके डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर आपके डायरेक्ट uh, कॉम्पेटिबिलिटी होता है आप बहुत अच्छे से उसको यूज में ले सकते हैं जेसन को Now, अगर आपको एपीआई मिलती है ड्यूरिंग द पेंटेस्टिंग या फिर ड्यूरिंग दाइटरिंग दाइट विजिट अगर वहां पर आपको जैसन फॉर्मेट में दिखता है सो यू कैन इजिली आईडेंटिफाई दिस इज द रेस्ट एपीआई या फिर अगर आपके पास क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आती है एंड दिस की रेस्ट एपी आई है सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई की वो आपको जैसन फॉर्मेट के अंदर मिलने वाला है एंड अगेन विच इज अगेन कॉम्फर्टेबल विद ब्राउजर एंड जो प्रोटोकॉल यूज में होगा विच इज य

थ्रू द सेम पोर्टल एंड दिस हैजेज एंड एडवा हम बात करेंगे तो in short, in crux, बहुत सारे पॉइंट होते हैं रेस्ट एपी आई इसके अंदर हालांकि ये फास्ट है क्योंकि जैसम के साथ ये वर्क कर रही है बट अगेन सिर्फ तेज होने से ही अच्छी नहीं हो जाती कोई सी भी चीजें

अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स uh, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स टू द रेस्ट बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके वेब सर्विस सिक्योरिटी एंड बिल्ड आपके सेटअप की जाती है जिससे uh, जो भी सिक्योरिटी uh, है लाइक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जैसे कि अगर एस एस एल इम्प्लीमेंटेड है तो वहीं पे ही टी एल एस और एस एस एल के बेसिस पे ही आपके रन कर रही है सो so, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है जो कि हम डिफरेंशिएट पार्ट के अंदर चेक करते हैं नाउ सोप हैज बिल्ट इन एसिड कंप्लाइंस नाउ एसिड कंप्लाइंस इज लाइक देर एटोमिसिटी दैट्स मीन वो स्मॉलर पार्ट में क्रिएट करके आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं देन सी फोर कंसिस्टेंसी दैट्स मीन जब भी डेटा ट्रेवल uh, कर रहा है वो एंश्योर कर रहा है कि कंसिस्टेंसी लाइक ठीक है या नहीं है एंड देन आइसोलेशन आइसोलेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक सर्विस या फिर एक रिक्वेस्ट आपके चल रहा है या फिर कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ है अब उस एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया और सेम चीज वहां पर लेट से टेन थाउजेंड ट्रांजेक्शन हो गई एट ए टाइम सो क्या वो टेन थाउजेंड जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है विच इज गुड और नोट सो इस चीज को कंप्लेन करता है सो पे पी आई जिसमें वो सबको वेरीफाई कर रहा होता है सो दिस इज इन आइसोलेशन पार्ट एंड लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी सो ऑब्वियसली जब भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे, वैसे वैसे फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बट ड्यू टू अपग्रेडेशन आप उसी सर्विस को मल्टीपल टाइम तक यूज में ले सकते हैं जैसे अभी भी बहुत सारे टूल्स है जो अप्रोक्स टेन ईयर पहले से चल रहे थे और आप उसको आज भी यूज में लेते हैं सो दिस इज द ड्यूरेबिलिटी सो सोप हैज बिल्टिन एसिड कंप्लाइंस जो इन चारों पॉइंट्स को ये सपोर्ट करता है नाव सोप वर्सेज रेस्ट

रेस्ट आर्किटेक्चर है सो ये मोस्ट लाइक डेटा ड्रिवन है जबकि जो सोप है आपका विच इज लाइक ए स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन द मोर फंक्शन ड्रिवन सेकेंड क्वेंट इज रेस्ट एपीआई एक्सेस ए रिसोर्स फॉर डेटा जो कि आपका यू आर आई बेस पे वर्क कर रहा है

जहाँ पे जैसे भी आपका डेटा लाइक ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस लेवल पे आपकी सिक्योरिटी देख रहा होता है या फिर इसको और अच्छे तरीके से देखें तो जैसे आप एस एस एल या फिर टीएलएस यूज में लेते हैं सो उस बेसिस पे आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा होता है नाउ जो रेस्ट एपीआई का है वो आपका एस टी टी पी या एस टी टी पी एस प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा है तो जो सिक्योरिटी होगी वो एस टी टी पी प्रोटोकोल के साथ ही आपके इनबिल्ड होगी सो इफ वी कंपेयर और uh, यहाँ पे सोप एपीआई के पास ज्यादा सिक्योरिटी है ड्यू टू डब्ल्यू एस सिक्योरिटी विच इज वेब सर्विसेज सिक्योरिटी नाउ फोर्थ पॉइंट इज सोप रिक्वायर्स मोर बैंडविथ ऑब्वियसली अगर इतनी सारी चीजें काम में आएगी खुद का प्रोटोकॉल यूज में ले रहा है सो यहाँ पे बैंडविथ ज्यादा काम में आती है वेयर इज रेस्ट रिक्वाय फ्यूअर रिसोर्सेज नाउ इट्स डजेंट मीन की uh, यहाँ पे कम रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन द एपीआई जो कि डेवलपर के बेस पे आपके वर्क कर रही है नाउ लेट्स ऑन एपीआई पेनट्रेशन टेस्टिंग नाउ पेनेट्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि आप लोग आ, किसी भी लाइक एपीआई like के अंदर या वेब एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी बग फाइंड करना कुछ भी फ्लो फाइंड करना कुछ भी वर्नेबिलिटीज फाइंड करना विच इज योर पार्ट ऑफ पेनेट्रेशन टेस्टिंग सो जैसे ही आपको कुछ बग मिलता है फ्लो मिलता है उसके अंदर देन आप Uh, then you guys try to penetrate that vulnerability so like API penetration testing is an ethical hacking process to assess the security of the API design and API test involves attempting to exploit identify issues and reporting them to threaten the API to prevent unauthorized access or a data breach so simply what can the आपको सिर्फ एपीआई की पेनेट्रेशन टेस्टिंग करनी है कि डेटा ब्रीच ना हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपके लीक हो रही है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीकेज हो रही है डेटा एक्सपोजर हो रहा है ऐसा कुछ ना हो सो इन्हीं वेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए देखते हैं बट बट मेन क्वेश्चन इज ये एपीआई पेन टेस्टिंग और एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या होगा सो so, uh, बहुत ही लाइक uh, माइनर like सा डिफरेंट है uh, क्योंकि दोनों क्लोजली रिलेट uh, करते हैं दोनों आपके वेब एप्लीकेशंस पे चल रहे हैं आपके एंड जैसन और एक्सएमएल के फॉर्मेट के अंदर ये आपके रन हो रहे हैं सो ऑब्वियसली दोनों बहुत क्लोजली रन करते हैं बस डिफ्रेंशिएट होता है इनके फ्रेमवर्क के और इनके डिजाइन पैटर्न का कि एपीआई का डिजाइन पैटर्न क्या है और सिंपल कोई एप्लीकेशन है हो सकता है आपकी वेब एप्लीकेशन हो मोबाइल एप्लीकेशन हो उनका फ्रेमवर्क अलग होता है उनका डिजाइन पैटर्न अलग होता है अदरवाइज जो अभी आप वेलेबिलिटीज फाइंड करते हैं वो सेम ही है ऑलमोस्ट सिर्फ नाम अलग हो जाता है और थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है जो कि हम देखते हैं आगे वाले पार्ट पे जैसे कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन सो ये एक है अब एपीआई में इसको बी ओ एल ए बोला बोला जाता है और सेम चीज अगर मैं वेब एप्लीकेशन पेंटेस्टिंग की बात करूँ तो आप उसको आईडोर भी मेंशन कर सकते हैं सो इनसिक्योर डेटा ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो या फिर ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन हो यहाँ पे दोनों का काम सेम ही है सिर्फ नाम का डिफरेंशिएट आ जाता है सो अगेन फ्रेमवर्क और डिजाइन पैटर्न के अंदर ही डिफरेंशिएट है ज्यादा डिफरेंस नहीं है नाउ uh, के स्कोप एपीआईिंग वॉट डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंटेशन है क्लाइंट से ले रहे हैं सो इट इज गुड क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कितने एंड पॉइंट्स हैं, कौन से एंड पॉइंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं और उनका प्रोसेस फ्लो क्या है कहां से होते हुए पे आपका कर रहा है। देन अंडरस्टैंडिंग रोल्स ऑथेंटिकेशन मेथड्स एंड एपीआई डिजाइन नाउ एपीआई के अंदर मेन है कि आप ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना चालू कर दें सो ऑथोराइजेशन हो गया आपके कि जब भी कोई उस पर लॉग इन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे पास फेसबुक अकाउंट है अब उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड होगा विच इज योर ऑथेंटिकेशन कि यहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड है नाउ मेरे पास भी फेसबुक अकाउंट है आपके पास भी फेसबुक अकाउंट है आपका अब आपने कुछ आईडीज़ वगैरह के अंदर या फिर रिक्वेस्ट के अंदर चेंजेस किए और आप मेरे सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं विच इज योर पार्ट कि आप मेरे अकाउंट को ऑथोराइज करने के लिए लाइक इट्स नॉट लीगल बट आपने फिर भी उसे ऑथोराइज कर लिया सो so, uh, जब भी आप उसका ऑडिटिंग स्कोप डिफाइन करेंगे सो so यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑथेंटिकेट हो रहा है कौन कौन ऑथोराइज है इस चीज के लिए सो so आप ये क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं नाउ एपीआई पेन टेस्टिंग टूल्स के बारे में देखते हैं So obviously, uh, there are multiple tools. Uh, हम लोग uh, बब स्वीट यूज में ले सकते हैं पोस्टमैन यूज में ले सकते हैं यू कैन यूज द स्वेगर यू आई आप स्वेगर यू आई के साथ भी आप यूज में ले सकते हैं या फिर इसके अलावा uh, बहुत सारे पेड एक्सटेंशन भी आते हैं आपके क्रोम और वेब ब्राउजर के लिए हम वो लोग वो चीज़ भी यूज करके देखेंगे कि वो एक्सटेंशन कैसे यूज में आते हैं बब सूट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पोस्टमैन क्या है स्वेगर यू क्या है स्वेगर यू में आप कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं पोस्टमैन के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथोराइज के क्या क्या मेथड्स है सूट के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिक एपी आई पेंटेस्टिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स है या नहीं है सो ये सब चीजें हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर नाव है कुछ एक स्पेसिफिक वर्नेबिलिटीज़ है जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर एपीआई मास असाइनमेंट बाईपास कंट्रोल ब्रोकन ऑथोराइजेशन सीक्वल इंजेक्शन एंड अदर इनपुट वेलीडेशन फ्लो सो ये कुछ एक कॉमन वर्नेबिलिटीज़ है जो कि आपके मिलती ही मिलती है जैसे कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर की बात करूँ सो so यहाँ पे आ, ईमेल मिल गया मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेट लॉन्ग एंड पासवर्ड नाउ वी हैव टू कि ये जो मुझे पासवर्ड मिला है ये जो भी मैं हैशेस यूज में ले रहा हूँ क्या वो परफेक्ट है या फिर इससे भी कोई अच्छी में यूज़ में ले सकता था या यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट में नहीं है सो क्या ये प्लस पॉइंट है मेरे सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बेसिस पे सो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है इन एपीआई पेंट टेस्टिंग बट यस इट्स इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर जहां पे आपको पासवर्ड दिख रहा है एंड लाइक अटैकर कैन क्रैक दिस पासवर्ड ड्यू टू विद डिक्शनरी अटैक या विद ब्रूट फोर्स अटैक

जो सिक्योरिटी टॉप टेन टू थाउजेंड में जो वनेबिलिटीज थी विच इज ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथोराइजेशन ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर लैक ऑफ रिसोर्स एंड रेट लिमिटिंग ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथोराइजेशन मास असाइनमेंट सिक्योरिटी मिसकॉन्फिग्रेशन इंजेक्शन इमप्रोपर एसेट मैनेजमेंट एंड इनसफिशियंट लुगिंग एंड मॉनिटरिंग सो so, यहाँ पे ये टॉप 10 वर्नेबिलिटीज है बाय द ओवास नाउ 2003 के अंदर ये आपका अपडेट हो चुका है अप्रोक्स आई थिंक टू मंथ्स अगो जहाँ पे जो आपके फाइव वर्नेबिलिटीज थी वो रिमूव करके यहाँ पे चेंज कर दिया गया है सो so, पहले जैसे आप देखते थे कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन में भी और ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथोराइजेशन में भी आपके uh, दोनों एग्जिस्ट करते थे बट नाउ इन टू 2023 यहां यहाँ पे ब्रोकन ऑब्जेक्ट की property level authorization भी यहां पे भीड कर दी गई है अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स किया गया है ये कुछ जो की है जो कि 2023 के अंदर एड हुई है नाउ आने वाले वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 2019 की vulnerabilities से एंड खत्म करेंगे 2023 की फाइव मोर वर्निबिलिटीज के साथ सो so, आने वाले वीडियो में एक एक वर्निबिलिटी एक वीडियो के साथ देखते हैं कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथोराइजेशन क्या है आ, इनके क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं सो so, मैंने इनके लिए पहले ही सिनेरियो क्रिएट कर रखे हैं फॉर एग्जांपल अगर ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथोराइजेशन आता है तो उसका डेफिनेशन क्या होगा आ, उनके जो सिनेरियो बन रहे हैं वो किस टाइप से क्रिएट होंगे एंड उनके मिटिगेशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं सो so, ये सब चीजें देखते हैं हम आने वाले वीडियोस के अंदर सो so, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए ट्यूटोरियल के साथ जब तक के लिए टाटा बाय।